मैं संगीता कुमारी गया बिहार से बोल रही हूँ। मैं यह वीडियो बनाने पर इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं थक चुकी हूँ, अपनी 7 महीना की बेटी को लेके 6 दिन से पुलिस प्रशासन में दौड़ रही हूँ अपने पति के साथ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यह घटना इतनी शर्मसार से भरी हुई है कि आप सबको झंझोट के रख देगा। मेरा बाप मुझे शादी से पहले से ही नाजायज तरीकों से छूते आ रहा है, जिसका मैं सबको मैं बोली थी मायके में, माँ भाई बहन बहनों सबको मैं यह बात बोली थी कि मेरा बाप मुझे गलत तरह से छूता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन मेरा पूरा मायका वाला सब मिलकर मुझे पागल साबित करने लगा कि संगीता पागल हो गई है, पागल अपना बाप को गंदा इल्जाम लगा रही है। और इस तरह से बोलकर वो बाप को बढ़ावा देता गया, जिसका कारण आज ये नतीजा पहुंचा है कि मेरा बाप 4 सालों से मेरे पति को जान मारने का धमकी देकर और मुझे पागल साबित करने का धमकी देकर वो मेरे साथ बलात्कार करते आ रहा है 4 सालों से। लेकिन ये अपने पति को बताने के बाद मैं जब थक गई तो पुलिस स्टेशन गई, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। वो अपराधी बाप जो अपना बेटी को बलात्कार करके घूम रहा है, खुला साड़ी की तरह घूम रहा है और मेरा पति के जान लेने के पीछे पड़ चुका है, और मुझे पागल साबित करने के पीछे पड़ चुका है, मेरी बेटी को जान से लेने के लिए पीछे पड़ चुका है। अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि या तो धरती पर वो अपराधी जिंदा रहे, या तो मैं, मेरी बेटी या मेरे पति। अगर मेरा उस अपराधी को सजा नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी 7 महीना के बेटी के साथ मैं जान दे दूंगी। अगर अपराधी को सजा नहीं मिला, वो बाप जब बाप बेटी को रिश्ता को संसार करके रख दिया है, वो मायका जो अपना बाप को बढ़ावा दिया, जिसके कारण मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ, जिसके कारण वो मेरे 4 सालों से मुझे झंझोट रहा है, मेरे शरीर को छू रहा है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा है, छाती को छू रहा है, लेकिन मेरा मायका वाला बढ़ावा दिया है, और मेरा मायका वाला बढ़ावा के कारण आज मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है। मेरा पति मेरे साथ है, लेकिन दुनिया में अभी तक कोई साथ नहीं दे रहा, यहाँ तक प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा, मेरा पूरा प्रशासन मिलकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। मेरा वो अपराधी बाप खुला साड़ की तरह घूम रहा है। अगर मेरे पति को जान लिया जाता है तो उसका जिम्मेवार वो सब होगा, वो अपराधी बाप होगा जो अपना बेटी का बलात्कार करके खुला साड़ की तरह घूम रहा है। अगर ये वीडियो, इस तरह का वीडियो अगर नहीं शेयर हुआ तो कल होके और भी बाप को ये छूट मिल जाएगा कि अपराध करो, अपने बेटी को यूज करो, अपने बेटी को आप बलात्कार करो, दुनिया विश्वास नहीं करेगा। हर घर में बाप बलात्कार कर अपना बेटी के करेगा, और कोई भी समाज बर्दाश्त बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। मैं इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये शर्मसार जो घटना है, इस शर्मसार घटनाओं को इंसाफ मिले और वो अपराधी बाप को सजा मिले जो शादी के पहले नाजायज तरीकों से मुझे छूते आ रहा है, और शादी के बाद मेरा 4 साल से बलात्कार करते आ रहा है, और मेरे पति को जान लेने के लिए पीछे पड़ गया, मुझे पागल साबित करने के लिए पीछे पड़ गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुशी जान दे दूंगी उन लोग के कारण, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। अपने 7 महीने बेटी को लेकर थाना पुलिस मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ मैं जान दे दूंगी अगर वो अपराधी बाप को सजा नहीं मिला, अगर मेरा वो मायका को सजा नहीं मिला जो मायका बढ़ावा दिया है मेरी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे। ये वीडियो कितना से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये उन लोग का रुतवा, जो रुतवा से वो साड़ की तरह घूम रहा है, उसे सजा मिल सके, उसे उस बाप को सजा मिल सके जो बाप अपने बेटी का बलात्कार करके खुला साड़ की तरह घूम रहा है, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। अगर ये इस पे कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी, अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ जान दे दूँगी। अब आपके हाथ में है, मैं अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़कर कि आपके हाथ में है कि उस अपराधी बाप को खुला साड़ की तरह आपको घुमाना है, या हम सबको इंसाफ दिलाना है। इस वीडियो की इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उस अपराधी बाप को तुरंत के तुरंत अरेस्ट किया जाए, उस मायका को अरेस्ट किया जाए जो मायका उस बाप को बढ़ावा दिया और बढ़ावा देके मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। मैं इसके लिए पब्लिक के सदा आभारी रहूँगी।